हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फिले IAS कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा सिंह और आज हम बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। बहुत ही बड़ा चेंज इस एक्ट में दिया गया है। क्या है? पहली बार गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, यानी कि इससे पहले हमने देखा था एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, उसमें गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा 1786 के एक्ट में कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कमांडर इन चीफ की पावर्स दी गई। अब हम देख रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी कि उसकी पावर्स को और बढ़ा दिया गया और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की पावर्स हैं उनको सेंट्रलाइज कर दिया गया। अभी तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एज अ कमर्शियल बॉडी ही जो है वो एक्ट कर रही थी, यानी कि कमर्शियल फंक्शंस को ही वो वहाँ पर एग्जीक्यूट कर रही थी। लेकिन इस चार्टर एक्ट के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल बॉडी से हटाकर उसे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो बना दिया गया। साथ ही साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल है उसमें एक नए मेंबर को जोड़ा गया, वो है एक नया लीगल मेंबर। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है हु वॉज द फर्स्ट लीगल मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडियाज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में हमें बताते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, और अपने सजेशंस प्लीज़ देना मत भूलिए इन द कमेंट सेक्शन।